ये तो अलंकरण। पर्सनालिटी से कर सकता है क्वेश्चन, पर्सनालिटी से, पर्सनालिटी से हमेशा क्वेश्चन रहता है। बिहार से किसको मिला है, टोटल कितना मिला बिहार से, कितने लोगों को? अच्छा टोटल 5 मिला है। और ये बताइए कि साहित्य और कला के क्षेत्र में किसको मिला है, साहित्य और कला के क्षेत्र में किसको मिला है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री? महिला सशक्तिकरण है इसलिए पूछ सकता है किसको मिला है। आवाज आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है आवाज में? मृदुला सिन्हा, नाम सुना होगा आप लोगों ने मृदुला। लेकिन ये यहाँ पे ये बनता है क्वेश्चन कि आपको पद्म भूषण किसको मिला है। इस पर्सनालिटी से पूछा गया क्वेश्चन पिछली बार बीपीएससी में, जो टोटल आपको ये मिला है, टोटल जो 10 मिला है इसमें रामविलास पासवान को मिला है, रामविलास पासवान जी को मिला है। ठीक, पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से, रामविलास या पासवान, इससे मैंने पढ़ाया आप लोगों को, इससे याद होना चाहिए। और आपको रामचंद्र मांझी को किस लिए मिला है, कला के लिए मिला है। और एक क्वेश्चन बनता है कि आपको चिकित्सा के लिए किसको मिला है, चिकित्सा क्षेत्र के लिए, मेडिसिन, मेडिकल किसको मिला है मेडिसिन के लिए? दिलीप कुमार सिंह को मिला है। इसमें टोटल कितनी महिलाएं शामिल है, 119 में टोटल कितनी महिलाएं शामिल है? देखिए टोटल कितनी महिलाएं शामिल है, 119 में टोटल में आपको 29 महिलाएं हैं, 29 एंड इक्वल डेवलपमेंट सोसाइटी दे रही है। और जो छूटेगा आप लोग बेहिचक बोलिएगा, सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी दिल्ली। ये संस्थागत श्रेणी मिला है, नाम बता रहे हैं, ये संस्थागत श्रेणी मिला है, जो संस्था का नाम है सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी न्यू दिल्ली। और इस व्यक्तिगत श्रेणी मिला है राजेंद्र, राजेंद्र कुमार भंडारी को, राजेंद्र कुमार भंडारी। राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है, हाँ व्यक्तिगत मिला है। पर्सनालिटी से क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है कि ये बन जाए, बूटा सिंह से, नाम सुना है कोई बूटा सिंह का? ये पूर्व राज्य, ये बिहार के पूर्व राज्यपाल थे। और यहाँ से क्वेश्चन इसलिए बन सकता है कि हमेशा पर्सनालिटी सेक्शन देता है क्वेश्चन, तो यहाँ से इसलिए क्वेश्चन बन सकता है कि अभी जस्ट इनकी मृत्यु हुई है, इनकी मृत्यु हुई है। और जो इनका मतलब कि जो कार्यकाल था वो बहुत ही विवादित कार्यकाल था, और इनके कार्यकाल में ही एक मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न उठा था कि मतलब क्यों नहीं राज्यपाल के पोस्ट को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मतलब कि राज्यपाल का जो जो भी बयान आता है, जो भी डिसीजन आता है, वो हमेशा गवर्नमेंट के पक्ष में आता है। जो कि राज्यपाल का पोस्ट होता है वो सर मतलब कि गवर्नमेंट से ऊपर का पोस्ट है, लेकिन लेकिन फिर भी उसका कोई डिसीजन मतलब गवर्नमेंट के फेवर में आता है। तो यहाँ से आप लोग को बन सकता है क्वेश्चन कि इनका बिहार में कार्यकाल कब था, बिहार में कार्यकाल बहुत दे सकता है ऑप्शन में आप लोग को, कार्यकाल 2004 से 2006, ये ऑप्शन में आप लोग को, ये जैसे कि जहां तक ऑप्शन की बात है 2006 दे दिया आपको, 2003 से 2000 दे देगा, 4 दे देगा, ऐसे करके दे देगा ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन बना देगा, लेकिन ये होगा आप लोग को 2004 से 2006 इनका राजकाल था, ये सही होगा। इनके बारे में और कुछ फैक्ट लिख लीजिए, बूटा सिंह के बारे में कुछ फैक्ट लिख लीजिए। 2007 से 10 के दौरान, 2007 से 10 के दौरान, 2007 से 10
2007 से 10 के दौरान अनुसूचित जाति के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 2007 से 10 के बीच। हाँ, अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और देखिए ऐसे बूटा सी से बना क्वेश्चन बहुत सारा फैक्ट दे देगा, और फैक्ट दे के आप लोग से ये पूछेगा इसमें कौन सा फैक्ट सही है, ठीक। और ये आठ बार, ये बूटा सी आठ बार ये लोकसभा से निर्वाचित थे, आठ बार लोकसभा मेंबर थे बूटा सी, कितने बार, आठ बार लोकसभा के मेंबर थे। प्रश्नार्थी से दे के क्वेश्चन उनके बारे में चार पांच आप लोगों को फैक्ट दे देगा, इसलिए आपको कुछ फैक्ट जान लीजिए। ओ कोंजो इविला, आपने लिख लिया इसको सब है नतीबाग में, ओ कोंजो इविला, ओ कोंजो नाम सुने हैं, ओ कोंजो इविला, इविला हाँ, इसलिए क्वेश्चन WTO से हमेशा पूछता है ना किसी भी कंपटीशन में, तो आप लोग नाम देख लीजिए, ओ कोंजो इविला। कहां की मूल है, कहां का मूल निवासी है पता है, गुड, नाइजीरिया। किस मूल की है, नाइजीरिया, लेकिन अभी ये तो मूल निवासी नाइजीरिया के हैं, लेकिन वर्तमान में इनका नागरिकता कहां का है, कहाँ की नागरिकता है इनके पास, है अमेरिका की नागरिकता है। जैसे इनको अगर अगर मूल से दे दे क्वेश्चन तो आप लिखिएगा नाइजीरियन, नाइजीरियन अमेरिकन, ठीक, नाइजीरियन अमेरिकन ही है, अमेरिकन। आजकल कर रहा है क्वेश्चन आप लोग को, मतलब कि ये सारा देना है, BPSC भी देना है, UPSC भी, सब तो देना ही हो आप लोग को। वैसे 144 सहायक का फॉर्म आया है, आप लोग भर रहे हैं, बिल्कुल भरना चाहिए, एकदम बिल्कुल भरना चाहिए, समझे, तो आप लोग भरने, हो सकता है कि वहां से ये सब क्वेश्चन बनता है, और ये जो क्वेश्चन WTO का क्वेश्चन है ये आप लोगों को ये BPSC बनेगा। अच्छा, WTO का ये कौन था आपको, ये पहला महानिदेशक, पहला, अगर मान लीजिए अगर WTO हम देख रहे हैं तो आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि मतलब कि पहला भी जरूर जानना है, मतलब ऐसे पूछेगा नहीं लेकिन पहला जानना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो है सातवें नंबर की है, लिख लीजिए कितने नंबर की है, सातवें नंबर की है ये। पहला कौन थे, पीटर सुदरलैंड, पीटर सुदरलैंड थे पहला, पीटर सुदरलैंड, सुदरलैंड थे। और WTO का स्थापना कब हुआ था, WTO का स्थापना कब हुआ था, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये सारे कंपटीशन पूछता है WTO का क्या स्थापना, पीटर सुदरलैंड है, सुदरलैंड ये WTO के ये थे फर्स्ट अध्यक्ष, ये महानिदेशक। WTO का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी, पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों को, सारे कंपटीशन पूछता है, 1995। और ये जो है गेट का ही रूप है, गेट का आप लोगों ने ये नाम सुना है, जो ये गेट जो था GATT, यही हो गया था आप लोगों को 1995 में WTO, WTO गेट ही हो गया था WTO, ठीक, हाँ गेट, GATT। ये लिखिए आप लोग, भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला हुआ था अभी, और बहुत फेमस था, मतलब कि क्रिकेट के इतिहास में, और खासकर अभी फिलहाल जो सर्वेक्षण हुआ है तो अभी तक टेस्ट हिस्ट्री के जो मतलब टेस्ट हिस्ट्री अभी जितना हुआ क्रिकेट टेस्ट उसमें जो उसका दर्शक वोटिंग कराया गया था, तो उसमें कहा था सबसे महान टेस्ट किसको माना जाए, तो जो अभी टेस्ट श्रृंखला हुआ था उसमें होता क्वेश्चन पूछ दे, जो आपको एडिलेड में जो टेस्ट हुआ था जिसमें ऋषभ पंत 93 रन मार जिताया था, उस टेस्ट को टेस्ट क्रिकेट टेस्ट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच माना जा रहा है आज तक, इसीलिए श्रृंखला के बारे में कुछ जानना होगा, उस तक क्वेश्चन बने यहां से। इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट श्रृंखला, क्रिकेट सीरीज, ठीक, 2020 से किस था ये,
2020-21 था ये सीरीज का नाम। कुछ फैक्ट लिखिए इसके बारे में। इसमें तीनों हुआ था, इस सीरीज में टेस्ट हुआ था, टेस्ट भी हुआ था, वनडे भी हुआ था और T20 भी हुआ था। टेस्ट किसने जीता था? कितने से जीता था? 2-1 से। इंडिया जीता था 2-1 से, नोट कर लीजिए। वनडे किसने जीता था? गुड, 2-1 से। 2-1 से ऑस्ट्रेलिया जीता था, ऑस्ट्रेलिया जीता था। ये जीता था, इंडिया जीता था। और T20 किसने जीता था? इंडिया ही जीता था, 2-1 से जीता था, इंडिया जीता था 2-1 से। अब यहां से, अब ये है कि अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का टेंशन। पहले क्या होता था कि वो क्रिकेट से हमेशा मैन ऑफ द मैच पूछता था, पहले का ट्रेंड था कि क्रिकेट समय समय में पूछता है। लेकिन अब क्या होता है, बहुत सारा मैच होता है तो मैच नहीं पूछ के पूरा श्रृंखला पूछता है कि मैन ऑफ द सीरीज कौन था। टेस्ट में कौन था मैन ऑफ द सीरीज, बताइए, दिमाग पे आप लोग जोड़ डालिए। टेस्ट में मैन ऑफ द सीरीज ऋषभ पंत था, कि मतलब कि आपको चेतेश्वर ये पुजारा था, पैट कमिंस था। टेस्ट में पैट कमिंस था, पैट कमिंस था, पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया का वर्तमान में भी कैप्टन है ये पैट कमिंस, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है ये भी पैट कमिंस। वनडे में मैन ऑफ द सीरीज कौन था? वनडे में मैन ऑफ द सीरीज स्टीव, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, स्टीव स्मिथ, स्टीव स्मिथ। इसमें मैन ऑफ द सीरीज और T20 में था हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या, नोट कर लीजिए। पूछेगा तो आप लोग से यही पूछेगा, मैन ऑफ द सीरीज पूछेगा। फट नोट कीजिए कि टेस्ट मैच में भारत का न्यूनतम स्कोर, ये लिख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन बने यहां से। टेस्ट मैच में भारत का न्यूनतम स्कोर 36 रनों का, 36 रन टेस्ट मैच में 36 रनों का है, 36 रनों का है। यह रिकॉर्ड किस मैदान पर है, क्वेश्चन है कि टेस्ट मैच में भारत का न्यूनतम स्कोर 36 रन का, 36। ये जो रिकॉर्ड है किस मैदान पर है, यह भी पूछ सकता है क्वेश्चन, कितने रनों का है, 36 रनों का है, बहुत सारा दे सकता है। और किस मैदान पर है भी पूछ सकता है, एडिलेड, एडिलेड, एडिलेड कहां पे है ये ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में 36 रनों का है, 36 रनों का लिख लिया। किस ग्राउंड पे है, एडिलेड पे है, एडिलेड पे है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है एडिलेड, ये लिख लीजिए। और किसके विरुद्ध, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ऑफिसर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाएगा, इससे पूर्व कितना था भारत का स्कोर 36 से पूर्व, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप लोगों का ये क्वेश्चन आईएएस का पूछा हुआ क्वेश्चन, लेकिन मतलब कि मेरे के अगर जब 42 है, अगर मान लीजिए कि जब ये क्वेश्चन 42 है, अगर ये क्वेश्चन सीरीज से पूछा जा सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो हो सकता है कि ये भी बने क्वेश्चन। कहाँ का है, किसके ड्यू था ये, इंग्लैंड के विरुद्ध, किस मैदान पे था, लॉर्ड्स, लॉर्ड्स पे था, लॉर्ड्स, ठीक। 42 रन का था इससे पूर्व, और हो सकता है कि यहां से, और इसे बहुत बवाल मचा था क्रिकेट दुनिया में, बहुत ही मतलब मीडिया का बहुत मतलब फर्स्ट पृष्ठ पेश करने गया था। तो ये देखना चाहिए, जो भी पेपर में मुख्य पृष्ठ पे हो तो उसको देख ही लेना चाहिए, वहां से संभावना बनता है इस लेवल की। अभी कौन ऐसा प्लेयर है कि जो कि मतलब टेस्ट क्रिकेट में पूरे दुनिया में
मतलब कि उसका जो पदार्पण हुआ था वो सबसे कम ओवर हुआ था टेस्ट क्रिकेट में पूरे दुनिया में, वैसा प्लेयर जिसका मतलब सबसे सबसे मतलब कि कम एज में विकेट की जाता हो बैट के कीपिंग, पार्थिव पटेल। और पार्थिव पटेल को इसलिए कि वो तीनों प्रांतों से संन्यास ले लिया, टेस्ट टेस्ट वनडे और टी ट्वेंटी। हाँ ये बहुत 16 साल के आसपास में, जो कि 16 साल के आसपास में कोई विकेट कीपिंग अभी दुनिया में कोई पदार्पण नहीं किया था, और तीनों प्रांतों से संन्यास ले लिया, इसलिए क्वेश्चन बन गया। ये लिखिए, फैक्ट लिखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद दशक के सर्वश्रेष्ठ टीमों में शामिल भारतीय कौन कौन है? सर्वश्रेष्ठ टीमों में शामिल भारतीय वो करके आप लोग ऐसे वहां पे डैश दे दीजिए। टेस्ट में किसको है, टेस्ट में किसको शामिल किया है? हर साल में जो आप आईसीसी जो है तो मतलब कि एक टेस्ट का टीम बनाता है, वनडे का टीम बनाता है और टी ट्वेंटी का टीम बनाता है। उसमें क्या होता है कि सब में 11-11 प्लेयर क्रिकेट में होते हैं, 11-11 प्लेयर का वो करता है चयन। उसमें जो देश जो विश्व के जितने जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं उन्हीं का नाम शामिल होता है। तो यहाँ पे बन रहा है क्वेश्चन कि आईसीसी के दशक के मतलब दशक पिछले 10 साल में, पिछले 10 साल का जो वनडे का टेस्ट का और टी ट्वेंटी का जो टीम बना है उसमें कौन कौन से भारतीय शामिल है? तो ये देखिए कि वो टेस्ट में कौन है, वनडे में और आपको टी ट्वेंटी में लिख लीजिए इसको, है पूछ सकता है, इसलिए कि ये दशक का बात है। टेस्ट में है विराट कोहली और रामचंद्र अश्विन, दो प्लेयर है रामचंद्र अश्विन आर अश्विन, विराट कोहली और रामचंद्र अश्विन, हाँ रविचंद्रन आर अश्विन। यहाँ पे विराट कोहली, रोहित शर्मा वनडे में, रोहित शर्मा, इसमें तीन प्लेयर है, तीसरा का नाम बताइए। वनडे में तीन प्लेयर है पिछले 10 साल में, पिछले 10 साल की बात वनडे की बात हो तो एक मतलब कि आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, एमएस धोनी का नाम जरूर होगा। मतलब अगर आपको आपको ऑप्शन याद भी नहीं आ रहा है तो ये कॉमन दौड़ा के आप सोच सकते हैं, मान लीजिए जो भारत में दो दो बार जो इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट जिताया हो तो नो डाउट कौन थे। यहाँ पे एमएस धोनी है, एमएस डी है, ठीक। वनडे में तीन प्लेयर है, टेस्ट में दो प्लेयर है और टी ट्वेंटी में चार प्लेयर है। टी ट्वेंटी में चार प्लेयर, नाम लिखिए, रोहित शर्मा विराट कोहली, दो बताइए, जसप्रीत बुमराह जेबी, जसप्रीत बुमराह, एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी। टेस्ट में अगर टेस्ट में संख्या पूछ दे तो दो विराट कोहली और आपको आर अश्विन, वनडे में संख्या पूछ दे तो तीन विराट कोहली रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी, और टी ट्वेंटी में चार प्लेयर है, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, एमएस धोनी और विराट कोहली, ठीक। आ रही है रोहित शर्मा विराट कोहली। अगला क्वेश्चन लिखिए, विश्व का एकमात्र खिलाड़ी, विश्व का एकमात्र खिलाड़ी जो आईसीसी के द्वारा, विश्व का एकमात्र खिलाड़ी जो आईसीसी के द्वारा दशक के सर्वश्रेष्ठ टीमों के तीनों प्रारूप में है, सर्वश्रेष्ठ टीम पिछले दस साल का जो सबसे बेहतरीन टीम बना है उसको तीनों फॉर्मेट में है। अब देख लीजिए, विराट कोहली है ना, यहाँ पे टेस्ट में भी है विराट कोहली, वनडे में भी है विराट कोहली और टी ट्वेंटी में भी है विराट कोहली। दुनिया का एकमात्र प्लेयर है जो कि पिछले 10 साल में आपको आईसीसी का जो टीम बना उसने तीनों पर्वत में विराट कोहली है, और कोई नहीं है, दुनिया का कोई प्लेयर नहीं है।
एक फैक्ट लिख लीजिएगा नेक्स्ट अगला करके। टी नटराजन, क्लियर का नाम है टी नटराजन, नाम सुना होगा टी नटराजन। टी नटराजन एक ही विदेशी दौरे पर ऑस्ट्रेलिया दौरा पर, वैसे दौरा का अगर अगर आप लोग से क्वेश्चन नाम पूछ दे तो ठीक। टी नटराजन एक ही विदेशी दौरे पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में टेस्ट वनडे और आपको T20 पदार्पण करने वाला पहला भारतीय है, ऐसा पहला भारतीय है ये, ठीक ना, जो कि एक ही दौरा पर तीनों में टेस्ट वनडे तीनों में इसका डेब्यू हो गया। टी नटराजन का ऐसा पहला भारतीय है ये। करंट अफेयर से पिछला एनडीए जो अभी आप लोग को ये हुआ था उसमें पूछा था क्वेश्चन जो आप लोग सब पूछ रहे हैं, बताइए कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पुरुषों के मैच में, लिख लीजिएगा कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पुरुषों के मैच में महिला अंपायर का नाम क्या था। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पुरुषों के मैच में किसी महिला ने अंपायरिंग की है, उसका नाम क्या था, पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी द्वारा। लिखिए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पुरुषों के मैच में, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पुरुषों के मैच में महिला अंपायर का नाम क्या था। क्लियर, नोट कर लीजिएगा, क्लियर। पोलो शार्क, क्लियर पोलो शार्क। क्लियर पोलो शार्क, ऑस्ट्रेलिया के होंगे, ऐसे ऐसा आप ये मत कीजिए, नोट मत कीजिए। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पुरुषों के मैच में अच्छा भारत का दो महिला टेनिस प्लेयर का नाम बोलिए आप लोग, टेनिस महिला खिलाड़ी, दो टेनिस महिला खिलाड़ी का नाम लॉन टेनिस का, पहला तो सानिया मिर्जा है, दूसरा कौन है, अभी बहुत चर्चा में रही है महिला है, अंकिता रैना, अंकिता रैना इसलिए चर्चा में रही है अभी आप लोग लिखवा रहे, उनका नाम है आप लोग लिखिए अंकिता, अंकिता रैना, नोट कर लीजिए अंकिता रैना नाम है इनका, अंकिता रैना WTO की WTA युगल रैंकिंग में, वैसे जो सानिया मिर्जा भी सिंगल तो खेलती नहीं है, सानिया मिर्जा भी डबल ही खेलती है, तो लिखिए कि WTA युगल रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान बनाने वाली WTA के युगल रैंकिंग में, युगल डबल में जो होता है, ये एक टेनिस में एक सिंगल होता है एक डबल होता है, जो डबल में शीर्ष 100 में स्थान बनाने वाले, 100 के अंदर रैंकिंग में स्थान बनाने वाली सानिया मिर्जा के बाद ये दूसरी महिला खिलाड़ी है, सानिया मिर्जा के बाद ये दूसरी महिला खिलाड़ी है जिनका नाम है अंकिता रैना। WTA मतलब होता है वर्ल्ड टेनिस, ये इससे पहले सानिया मिर्जा और सानिया मिर्जा के बाद दूसरी महिला है, इसलिए इसको जानना जरूरी है, नाम अंकिता रहना हुआ।
एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग लिख रहे हैं, ऑप्शन लिखे ए राजगीर, बी नवादा, सी सी गया, डी मुंगेर, और ई ऑप्शन एक से अधिक या कोई नहीं। समझ आया ना? क्वेश्चन है ग्लास ब्रिज कैंसर होगा है? इसका आंसर ई होगा। ये क्वेश्चन पूछने का कारण क्या था? ये क्वेश्चन देख लिए, हम जैसे क्वेश्चन किए हैं, आप सोचिए कि जिसका बीपीएससी एक नंबर से छूट गया उस पर क्या बीतेगा एग्जाम, जो कि आप लोग जब यहाँ राजगीर बोल दिए, सोचिए कि एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर क्या होता है। और एक बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि जिसका दो नंबर ज्यादा से रिजल्ट होता है या जिसका दो नंबर कम से रिजल्ट छूट जाता है, लेवल बराबर होता है दोनों का, लेवल में कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन आपका रिजल्ट इसलिए नहीं हुआ है कि आप जो जनरेशन का प्रेशर था, आप प्रेशर का झेल नहीं पाए और बंदा उसको प्रेशर बिंदास था लिख दिया। इसलिए सबसे पहले एग्जाम्स प्रेशर मत रखे। सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ जिला पूछे, डिस्ट्रिक्ट, राजगीर डिस्ट्रिक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे हम देते आप लोगों को नालंदा तब सही होता। और यही मिस्टेक होता है कि आपका पीटी एक नंबर से छूट जाता है, और हम नहीं चाहते कि आप लोगों का पीटी एक नंबर से, दो नंबर से, चार नंबर छूटे। इसलिए आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन ठीक से देखिए, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना, और जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, और ग्लास ब्रिज बहुत चर्चा में रहा, हो सकता है कि बिहार सेक्शन से पूछे, पिछली बार नहीं पूछा था ना ये क्वेश्चन, हाँ तो हो सकता है कि अब की बार इसकी संभावना बन रही है। इसलिए इस क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, और नहीं तो आप, और जो एक नंबर दो नंबर छूटेगा वो आपका रिजल्ट को कभी नहीं छूटेगा। ये कंफ्यूजन हो जाता है, एग्जामिनेशन के प्रेशर से बचिए। ऑस्ट्रेलियाई ओपन लिखिए, टेनिस, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, लॉन टेनिस पूछता है क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस। ओपन 2021 का है, मेल में और फीमेल में, और यहाँ पे सिर्फ मेल और फीमेल फाइट लिखाएंगे, इसलिए कि अगर कोई भारतीय इसमें होता है ना, और मान लीजिए कि कोई अगर मिस्ट्री के युगल को भारतीय की जाता, कोई भारतीय प्लेयर इसमें शामिल होता मेल ओपन में, तो उसको अपन नोट याद करना जरूरी होता है कि वहां से क्वेश्चन बन जाएगा ठीक। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, सारे विदेशी हैं, इसलिए सिर्फ आप लोगों को दो फैक्ट जाना जरूरी है कि इसका विजेता मेल कौन था और फीमेल कौन था, पुरुष कौन था। देखिए नोवाक जोकोविच जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का। ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये कहाँ का है, कहाँ कराने वाला है नुमान, और पूछा क्वेश्चन है नहीं, ये नोवाक जोकोविच सर्बिया का, हाँ सर्बिया कराने वाला। सर्बिया किस माध्यम से पढ़ता है? यूरोप महादेश में। महिला में कौन है? नोआमी ओसाका, देख लीजिए, नोआमी ओसाका कहाँ की है? ये ओसाका, ये जापान की है, ये लिख लीजिए आप, ये जापान की है। अगला क्वेश्चन लिखिए, बंदरों की बचाओ, हाँ
अगला क्वेश्चन है कि बंदरों की बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना, बंदरों की बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना हाल में ही कहां की गई है? बंदरों का बचाव और पुनर्वास, पुनर्वास केंद्र की स्थापना हाल में, केंद्र की स्थापना हाल में कहां की गई है? बंदरों की बचाओ और पुनर्वास केंद्र की स्थापना हाल में कहां पे की गई है? वर्तमान में भी कहां पे किया गया है? आप लोग का रिवीजन है, ये क्लास नहीं है, ये आप लोग इसलिए कि अब सामने जब जब आप लोग का पेपर है तो सोचिए कि आप लोग का ये बेहतरीन है रिवीजन, और यहाँ एक बार जो दिमाग घूम, आप मिस्टेक कीजिएगा, आप गलत कीजिएगा, लेकिन जो गलत करके जो हम सुधारते हैं वो फिर हम कभी नहीं भूलते। ये आप लोग को जो हम अभी बोले क्वेश्चन ये है तेलंगाना, तेलंगाना में, और एक फैक्ट ये भी होना चाहिए कि ये दूसरा है भारत में बंदरों के लिए, दूसरा है तेलंगाना में। तो ये क्वेश्चन मतलब पहला कहां पे है, बनता है ना क्वेश्चन। वैसे जहां तक करेंट की बात है तो करेंट तो तेलंगाना ही पूछेगा कि बंदरों के पुनर्वास कहां गए, ये दूसरा है। तो पहला आप लोग का है, पहला है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में पहला बंदरों के बचाव के लिए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में बना था। ठीक, क्वेश्चन लिखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी को, और एक बात है कि जब मोदी जी को पुरस्कार मिलता है तो क्वेश्चन बन ही जाता है, भले ना पूछे लेकिन आप लोगों को जानना होगा कि मोदी जी को पुरस्कार मिला है तो बन सकता है क्वेश्चन, और बनता रहा, इसलिए जानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसे लीजन ऑफ मेरिट, नाम भी याद रखिएगा, कौन सा पुरस्कार है, लीजन, नाम याद रखिए इसका, लीजन ऑफ, लीजन ऑफ मेरिट, डायरेक्ट नाम भी पूछ सकते हैं पुरस्कार का, कौन सा पुरस्कार मिला है नरेंद्र मोदी को अमेरिका के द्वारा, अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया है, यह भी नाम पूछ सकता है, और किस देश ने दिया है, यूएसए, ये लिख लीजिए। क्वेश्चन यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किस देश ने सम्मानित किया है, यूएसए ने सम्मानित किया। अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा कि नरेंद्र मोदी को यूएसए ने किया किस पुरस्कार से, चार पांच पुरस्कार का नाम दे देगा, और सबसे भयानक आप लोग का ई ऑप्शन दे देगा लास्ट में, ये लिख लीजन ऑफ मेरिट, चिलहट्टी हल्दीबाड़ी, चिलहट्टी, चिलहट्टी, चिलहट्टी आधा ला है, चिलहट्टी हल्दीबाड़ी, चिलहट्टी हल्दीबाड़ी, चिलहट्टी हल्दीबाड़ी रेलवे लाइन किन दो देशों के बीच पुनः प्रारंभ किया गया है, चिलहट्टी हल्दीबाड़ी रेलवे लाइन किन दो देशों के बीच पुनः प्रारंभ किया गया है, चिलहट्टी हल्दीबाड़ी रेल लाइन किन दो देशों के बीच पुनः प्रारंभ किया गया, इंडिया और बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक, कब से बंद था ये, 1965 भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था उस समय से ये बंद कर दिया गया था, हुआ था लड़ाई इंडिया पाक के बीच में 65 में, उसी समय इसको ये बंद कर दिया गया था, जो कि अभी स्टार्ट किया गया, उसका नाम क्या है, चिलहट्टी हल्दीबाड़ी नाम उसका ये है, ये सब चीज को मान लीजिए, डाटा मान लीजिए। अब क्वेश्चन लिखिए, किस शहर में भारत की पहली, किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल, विंड टनल, हाइपरसोनिक विंड, विंड टनल, भारत के मतलब किस शहर में भारत की पहली, मतलब ऐसा भारत में पहली बार हुआ कि हाइपरसोनिक विंड टनल, हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक
हाइपरसोनिक विंड हवा विंड टनल हाइपरसोनिक विंड टनल हाइपरसोनिक विंड डब्ल्यू आई एन डी हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण का सुविधा का उद्घाटन किया गया। किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया? हैदराबाद, हैदराबाद में किया गया। और ये किसे फैक्ट है कि यूएसए और रशिया, यूएसए और रशिया के बाद इंडिया तीसरा, चीन भी नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में आ जाता है चीन, जहां भी चीन में आदमी यही मानता है कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन के बाद भारत, ठीक ना। लेकिन ये जो हाइपरसोनिक विंड जो परीक्षण केंद्र खोला गया, इससे पहले ये परीक्षण का जो सुविधा है आप यूएसए में है, उसके बाद रशिया में है और तीसरा इंडिया है, तीसरा नंबर, तीसरा देश है शुरुआत करने का। और पराक्रम दिवस कब है? पराक्रम दिवस क्यों फेमस है? बड़ी अभी ये चर्चा में रहा, पता है? पूछेगा क्वेश्चन, पराक्रम दिवस कहीं ना कहीं पूछेगा ये क्वेश्चन जरूर, क्योंकि इतना दिन का ये ट्रेंड है कि जो भी क्वेश्चन बहुत डिबेटफुल होता है और खासकर पर्सनालिटी को लेकर, खासकर उस पर्सनालिटी को लेकर जो कि कांग्रेस अपना जिसको धरोहर बोलती है और जिसको बाद में एक भाषा में ये बोला जाएगा कि जिसको बीजेपी हथिया रही है, जैसे आप लोगों को सरदार पटेल जी हुआ, और जैसे बंगाल में चुनाव था, बंगाल में जब चुनाव था जब से आपको सुभाष चंद्र बोस जी का मतलब बहुत हमेशा ये होता है, इसलिए ये पराक्रम दिवस कब मनता है? 23 जनवरी। किसका जयंती है? हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, लिख लीजिए आप लोग, सुभाष चंद्र बोस। ये पराक्रम दिवस हमेशा दिवस पूछते रहता है, तो ये पहले था कि महात्मा गांधी से या जवाहरलाल नेहरू से रेल पूछता था, अब की बार अगर दिवस पूछेगा तो ये पूछेगा कि ये पराक्रम दिवस किसके लिए मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी। तीनों फैक्ट याद कर लीजिएगा। लिखिए अगला क्वेश्चन, 1 फरवरी 2021 को भारत में पहली बार, 1 फरवरी 2021 को भारत में पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। 1 फरवरी 2021 को भारत में पहली बार कागज रहित यानी पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया, इसके लिए कौन सा ऐप जारी किया गया? डेट भी याद रखना है आप लोगों को, 1 फरवरी 2021, डेट भी याद रखना है कि ये पहला बजट लिस्ट था, ठीक ना। बजट लिस्ट जो 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 बजट जो पेपर लेस हुआ ये किस तारीख हुआ था? 1 फरवरी 2021 को, ठीक ना। और कौन था ऐप वो, इसके लिए कौन सा ऐप जारी किया गया था? कौन सा ऐप जारी किया गया था? बजट जो जो पेपरलेस बजट जो प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी 2021 को, वैसे ये बजट का डेट है, उसके लिए कौन सा ऐप जारी किया गया था? ऐप यूनियन बजट मोबाइल ऐप, यूनियन बजट मोबाइल ऐप, यूनियन बजट मोबाइल ऐप, यूनियन बजट मोबाइल ऐप,
यह जारी किया गया था। लिख लिया सबने, अगला क्वेश्चन लिखिए। अमरीकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम दिया, कौन सा नाम दिया? स्पेस फोर्स, अंतरिक्ष बल। अमेरिकन स्पेस फोर्स ने हाल में ही अपने जवानों को नया नाम दिया है। चार पांच ऑप्शंस दे देगा यहां पे आपको, हम सिर्फ फैक्ट लिखा रहे हैं, ऑप्शन नहीं लिखवा रहे हैं। अमरीकी स्पेस फोर्स ने हाल में अपने जवानों को नया नाम दिया है, कौन सा नाम? गार्जियंस नाम दिया है, गार्जियंस। गार्जियंस पता नहीं, या पहले कुछ था नहीं, ऐसे स्पेस बोला जाता था, स्पेस फोर्स, अमेरिकन स्पेस फोर्स, इसको नाम से संबोधित कर रहे हैं आप, उसको आपको ये मतलब अमेरिकी स्पेस फोर्स उन्हें बोल गार्जियंस बोल दे रहा है। जैसे गार्जियंस बोलेगा आप समझिए किसके बारे में बात करता है, जैसे ही वो अपने गार्जियंस फोर्स की बात करता है आप समझिए कि ना वो थल सेना की बात कर रहा है, ना वो एयर फोर्स की बात कर रहा है, ना नेवी की बात कर रहा है, स्पेस फोर्स की बात कर रहा है। अब फिलहाल में कौन भारतीय हैं जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के फाउंडेशन के अध्यक्ष बने, याद है नाम? विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ कौन है? सीईओ बताइए, नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ भी अनिल सोनी। सोनी, हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ अनिल सोनी। कोरोना के लेके अब की बार मतलब जितना स्वास्थ्य संगठन से क्वेश्चन बनता है वो डब्ल्यूटीओ से वो जानना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, अनिल सोनी नाम है, ये अच्छा क्वेश्चन है जो बोल कि किस देश ने कोरोना महामारी को देखते हुए, पहले सुनिए किसी को याद है तो बोल बता दीजिएगा कि किस देश ने कोरोना महामारी को देखते हुए अब नया संपत्ति कानून पास किया है। तो ऐसे भारत में बात चल रही थी कि कोई मतलब कि नया संपत्ति कानून पास किया जाए, नया संपत्ति कानून पास किया जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास तरह का टैक्स लगाया गया है। जैसे मान लीजिए कि इस देश में कोरोना जो फैल रहा है, हम 25,000-30,000 कमाते हैं तो हम भी देंगे उतना ही टैक्स, और मान लीजिए अंबानी अडानी को उतना ही टैक्स देंगे, तो इसी को नहीं, अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती देश के प्रति, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है इसलिए आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, अर्जेंटीना, हाँ, क्वेश्चन लिखिए फिर से, किस देश ने कोरोना महामारी को देखते हुए नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर, नए कानून के तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा, वो कौन सा देश है? अर्जेंटीना। उपक्रूप क्या है पता है? उपक्रूप क्या है? उपक्रूप क्या है? उपक्रूप क्या है? उपक्रूप नाम सुना है आप लोगों ने? ये अंतरिक्ष यान है, उपक्रूप अंतरिक्ष यान है, ठीक, अंतरिक्ष यान है उपक्रूप। किसके अध्ययन के लिए? मंगल ग्रह के वातावरण के अध्ययन के लिए, मंगल ग्रह के, हाँ, मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन, ये ध्यान रखना है कि
अगर मान लीजिए कि मंगल ग्रह के वातावरण पूछ दे, मंगल ग्रह के मिट्टी पूछ दे, ठीक है, मंगल ग्रह का हवा पूछ दे या मंगल ग्रह के जल ग्रह पूछ दे, नहीं, मंगल ग्रह के वातावरण, वातावरण के अध्ययन के लिए, अध्ययन अध्ययन के लिए, ठीक। अब मेन क्वेश्चन ये बनता है कि होप प्रूफ मिशन किस देश का है, यही क्वेश्चन बनता है कि होप प्रूफ मिशन है, एक क्वेश्चन आप बनता है कि क्या अंतरिक्ष यान है, किसके लिए, मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन के लिए है, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है आजकल जो पूछ रहा है कि किस देश का मिशन है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त, कोई सोच भी नहीं सकता है, अमेरिका मार देगा, इजराइल मार देगा, ठीक, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का है ये होप्रो मिशन जो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग नोट कीजिए, भारत ने किस देश के साथ, भारत ने किस देश के साथ $50 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट, एलओसी, भारत ने किस देश के साथ $50 मिलियन, कितने मिलियन डॉलर का, $50 मिलियन का, भारत ने किस देश के साथ $50 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट का समझौता किया, डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट, एलओसी, लाइन ऑफ क्रेडिट, भारत ने किस देश के साथ $50 मिलियन का, कितने मिलियन डॉलर का क्वेश्चन बनता है, $50 मिलियन का, क्वेश्चन को पलट दीजिएगा, आप पलट के पूछ सकता है कि भारत ने किस देश के साथ $50 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट का यह समझौता किया, किस देश के साथ, ऑप्शन दे रहे आप लोगों को, म्यांमार, म्यांमार, पहले क्या बोलते थे म्यांमार को, पता किसी को, म्यांमार का नाम क्या था, बर्मा, वर्मा नाम था इसका, पहले इसका नाम था बर्मा, किस महादेश में है, अच्छा पहले आप लोग को देते हैं ऑप्शन, म्यांमार, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, क्या होगा इसका आंसर, जो क्वेश्चन लिखा है अभी फिर से सुन लीजिए कि भारत ने किस देश के साथ $50 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट का समझौता किया, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आप लोगों को सबको पता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसमें कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कि मतलब कि ये, मतलब कि ये समझौता बहुत ही, जैसे भारत और म्यांमार की जो रिश्ता खराब हो गया था, बहुत खराब रिश्ता था, लेकिन कोरोना काल में भारत ने जितना उसको हेल्प किया, जिस तरीके से हेल्प किया, या लोकतंत्र के बहाली वगैरह में भी, तो भारत के प्रति उसका कुछ सॉफ्ट कॉर्नर बना है, मतलब कि फिर भी उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान का झुक रहा था, चाइना की तरफ मालदीव झुक रहा है, लेकिन फिर भी भारत ने किया समझौता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन देश से, मालदीव, ये समझौता किया मालदीव के साथ, ये समझौता मालदीव के साथ किया है भारत, भारत ने किस देश के साथ $50 मिलियन का, $50 मिलियन का किया है, ये मालदीव के साथ किया है, और फिर अब आप लोग बताएंगे, जैसे कि ये तो ठीक है, ये भारत का ये पड़ोसी राज्य है, डायमेंशन खोलते हैं इसका, अब बताइए कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, म्यांमार जो है किस किस स्टेट से बॉर्डर टच करता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, जाना चाहिए, नाम क्या है, पहला, दूसरा, नागालैंड, सही है, नागालैंड, नागालैंड, तीसरा मणिपुर, और चौथा गुड, ये जानना जरूरी है, ठीक ना, आप लोग देखते हो कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन जाता है, और ज्योग्राफी से पूछा भी क्वेश्चन है कि मतलब कि ये आपको मतलब म्यांमार से भारत का कौन कौन सा स्टेट का बॉर्डर टच करता है, इंडोनेशिया का नया राजधानी कहां पड़ रहा है,
हाँ सर हम लिखवाए थे उस क्वेश्चन को, हम करवाए थे उस क्वेश्चन, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखे कि विश्व का कौन सा पहला देश जहां व्यावसायिक उत्पादन, विश्व का कौन सा पहला देश है जहां व्यावसायिक उत्पादन बिक्री उपभोग के लिए, विश्व का कौन सा पहला देश है जहां व्यावसायिक उत्पादन बिक्री उपभोग के लिए प्रयोगशाला में मांस को स्वीकृति प्रदान प्रदान दी गई है, ओके कर दिया वो कंट्री, कि विश्व का कौन सा पहला देश है जहां पर व्यावसायिक उत्पादन के लिए, मतलब कि उत्पादन के लिए, खाने के लिए, बेचने के लिए, ठीक, प्रयोगशाला में बने मांस को, जो मांस केमिकल से प्रयोगशाला में बन रहा है उसको स्वीकृति प्रदान कर दिया कि आप उसको बेच सकते हैं, खा सकते हैं और खरीद सकते हैं, कौन सा कंट्री है, कौन सा कंट्री है, ऑप्शन दे बता रहे, क्वेश्चन ऑप्शन लिख लीजिए पहले, यूएसए, यूएसए, चाइना, प्रयोगशाला में मांस का बात है, जर्मनी लिखिए, जर्मनी, सिंगापुर, प्रयोगशाला में बने मांस मतलब जो भी वहां पे बेचना खाना, ठीक ना, बेचना खाना खरीदता उसको मान कर दिया, उसको कानूनी लिखा हुआ है कि ये जो मांस है वो मशीन बना हुआ है और खा सकते हैं, बेच खरीद सकते हैं, कौन सा, सिंगापुर, चाइना इसलिए दिए कि अगर हम भी नहीं पढ़े तो चाइना मारते, जनरल सी बात है चाइना मारते, इसलिए जितना मतलब अनहोनी काम करता है मशीन वाला वो चाइना है, चाइना है जितना काम करता है, ये सब उल्टा पुल्टा, सिंगापुर, सही, गुड आंसर, ये सिंगापुर आंसर इसका होगा, लिख लीजिए, भले क्वेश्चन पूछा नहीं पूछे लेकिन आप लोगों को पूछ दे तो आप लोग से मिस्टेक नहीं होगा, ठीक, हाँ लिखिए, विश्व का कौन सा पहला देश है, विश्व का कौन सा पहला देश है जहां प्रयोगशाला में बने मांस को, उसको क्वेश्चन समझने के लिए बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन है नहीं, कि विश्व का ऐसा कौन सा पहला देश है जहां प्रयोगशाला में बने मांस को खाने के लिए बेचने के लिए और खरीदने के लिए वहां पे कानून ने मान्यता प्रदान कर दी, सिंगापुर, बांग्लादेश ऑप्शन है, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, नेपाल और चार में श्रीलंका, श्रीलंका, क्वेश्चन लिखिए, ऑप्शन में है, ये आपको ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, बांग्लादेश लिखिए, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका, ऑप्शन आंसर बताइएगा, क्वेश्चन है विश्व के किस देश में, विश्व के किस देश ने सन 2030 तक कब तक करना है ये चीज, 2030 तक ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है कब तक, 2030 तक विश्व के किस देश ने सन 2030 तक एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली, एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली, वन कंट्री वन हेल्थ सिस्टम, एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली नीति अपनाए जाने का निर्णय लिया कि 2030 तक चारों में से उस कंट्री में वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी होगा, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी, कि पूरे देश में हेल्थ को लेके एक ही पॉलिसी होगा, कोई दूसरी पॉलिसी नहीं होगी, इंडिया, हाँ, और ये कब तक, 2030 2024, कर सकता है क्वेश्चन 2035, ठीक, ऐसे कर देगा ऑप्शन तो आप लोग 2000
2030 तक भारत का टारगेट है कि 2023 तक 2030 तक वो इसको कर देगा पूरे भारत में। एक क्वेश्चन आप लोग को और करा रहा है, तमिलनाडु आंध्रा तेलंगाना आंध्रा तेलंगाना गोवा लिखिए। और इसमें हिमाचल प्रदेश लिख लीजिए, हिमाचल प्रदेश लिख लीजिए। पहला हिमाचल प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना और फाइव गोवा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए कि भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो डी एक में पुडुचेरी भी लिख लीजिए, पुडुचेरी इसलिए कि क्वेश्चन में आ गया ना, केंद्र शासित प्रदेश भी आ गया तो हमको तो नहीं लग रहा है इसमें कोई भी केंद्र शासित है नहीं है, पुडुचेरी है इसीलिए लिख लीजिए। एक तक आप लोग छह ऑप्शन दे दीजिए, लेकिन भारत में किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र द्वारा हरित ऊर्जा समभिरूपता मतलब बराबरी, हरित ऊर्जा समभिरूपता परियोजना सबसे पहली बार प्रारंभ किया गया? परियोजना का नाम लिख लीजिए ठीक से, कि भारत में किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र द्वारा हरित ऊर्जा परियोजना का नाम लिखिए, हरित ऊर्जा समभिरूपिता बराबर समभिरूपता परियोजना सबसे पहली बार प्रारंभ किया गया पूरे देश में, पहली बार यह परियोजना किया गया। परियोजना का नाम फिर से लिख लीजिए, हरित ऊर्जा समभिरूपिता परियोजना भारत में पहली बार प्रारंभ की गया किस स्टेट में? केंद्र शासित का हम केंद्र शासित लास्ट में जोड़ दी इसलिए पुडुचेरी हो गया, नहीं यह हो सकता है भूल रहे नहीं। ये सबसे पहले देखिए ऑप्शन देने का मेन कारण है ना, कि वैसे ऑप्शन पे ही सारा गेम होता है, कि मतलब कि ऑप्शन अगर सही से सेट कर दिया जाए तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ठीक, ये स्टेट है गोवा, ऐसा पहला राज्य है गोवा। गोवा एक क्वेश्चन लिखिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से, ऑप्शन भी हम लिखवाएंगे आप लिखिएगा, कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में किसकी याद में वर्ष 2021 को, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में मतलब याद में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में वर्ष 2021 को 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष स्वर्णिम विजय वर्ष किसको मन किया 2021 को 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष। क्वेश्चन पहले कर रहे हैं पूरा, क्वेश्चन में हम वो लिख दिए कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ऑप्शन लिखिए, ये है 1999 में कारगिल पर
भारत का विजय, भारत का विजय ए ऑप्शन। स्वर्णिम विजय वर्ष मनाने का निर्णय लिया 2021 में, निम्नलिखित किस पे? 1961 में, 1961 को भारतीय गणतंत्र में, भारतीय गणतंत्र में मिलाने की खुशी में, मिलाने की खुशी में। दूसरा ऑप्शन, 1961 में गोवा को भारतीय गणतंत्र में मिलाने की खुशी में, दूसरा हो गया ऑप्शन। तीसरा लिखे 1965 में पाकिस्तान पर भारत की विजय, 1965 में पाक पर भारत का विजय। और तीसरा लिखिए 1971 में पाक पर भारत का विजय। ये स्वर्णिम विजय वर्ष मनाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा सही? कंसेप्ट क्लियर है तो बन जाएगा, कंसेप्ट क्लियर है तो बन जाएगा। 1971 भारत पाक विजय, ये 1971। और एक चीज है कि जो आपको ये विजय वर्ष मनाया जाता है, जिसको विजय दिवस मनाया जाता है, वो जो विजय दिवस क्वेश्चन बनता है, जैसे विजय से आप पकड़ सकते हैं कि 1971 में जो जो पाकिस्तान पर जो भारत जीते हुई थी, उसी की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये होगा 71, ये सही। अगला क्वेश्चन लिखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2020, अभी रिपोर्ट आया है, जाना जरूरी। लिखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2020 के अनुसार। लिखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, हाँ, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट आया है, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट आया है, हाँ, उत्सर्जन, हाँ, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट आया 2020 में, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, रिपोर्ट 2020 आया है। इसी से फैक्ट पूछेंगे आपसे, 2020 का रिपोर्ट है ये, के अनुसार निम्नलिखित में से किसके कारण वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में, निम्नलिखित में से किसके कारण वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 2020 में, 2020 में 7%, याद रखिएगा कितने परसेंट की कमी आई, 7% कमी आई, 7% हो सकता है कि यही पूछ दे क्वेश्चन की कितने परसेंट की कमी आई, नहीं 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 कितने प्रतिशत की, अगर ये पूछेगा 2020 में 7% याद रखिए, इसलिए कि प्रतिशत में क्वेश्चन पूछ सकता है, 7% की कमी किसके कारण, ऑप्शन लिखिए तो, 7% की आई जो कमी किसके कारण आई, ए लिखिए अंतरराष्ट्रीय सौर, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का अच्छे ढंग से कार्य करने के कारण, बताइएगा ऐसे आप लिखे तो क्वेश्चन आप